नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अबोहर में कंपनी से परेशान युवक ने लगाया मौत को गले। सुसाइड नोट में तीन लोगों के लिखे नाम। पुलिस ने आरोपियों पर किया मामला दर्ज। दोपहरे 2 बजे सिमरनजीत सिंह पुत्र जगराज सिंह ने अपने घर फा लै के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली सी। मौका तो एक सुसाइड नोट बरामद होया, जिस विच इसने अपनी मौत की जिम्मेवार पंकज शर्मा, नीत शर्मा, पुत्राण सुभाष शर्मा वासियन सुंदर नगरी होर अते प्रीत मरोड़ा अर्थ माइक्रोफोन प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी जिम्मेवार दसिया। इस ते मुकदमा नंबर 20/15/21 अधीन धारा 306(34) दर्ज रजिस्टर किया गया है। मलोट स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से परेशान होकर बसंत नगर निवासी युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को नामजद करते हुए बादश की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मृतक बसंत नगर निवासी 27 वर्षीय सिमरजीत सिंह पुत्र जगराज सिंह के मामा बलजीत सिंह ने बताया कि उसका भांजा मलोट की अर्थ माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कुछ दिन पहले कंपनी ने उसके भांजे पर गबन के आरोप लगाए थे, तभी से उसका भांजा परेशान रहता था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता तो हो गया, लेकिन कंपनी के कर्मचारी नीरज शर्मा, पंकज शर्मा निवासी सुंदर नगरी अबोहर व मलोट निवासी प्रीतम अरोड़ा उसके भांजे सिमरजीत सिंह को परेशान करते थे। बीते दिन सिमरजीत सिंह अपने भाई के साथ कमरे में था। उसने अपने भाई को रिचार्ज करवाने के लिए भेजा और पीछे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और सिटी थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर सिटी वन के ASI भूपिंदर सिंह ने बताया कि मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर नीरज शर्मा, पंकज शर्मा निवासी सुंदर नगरी अबोहर व मलोट निवासी प्रीतम अरोड़ा के खिलाफ बादश की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। बलजीत सिंह जी वासी बसंत नगर अबोहर दा जी। मेरा भांजा सी सिमरजीत सिंह, लगभग उम्र 27 साल। वह अर्थ माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पिछले 3 तो 4 साल तो काम करता सी। पिछले कोई 2 महीने पहला कंपनी ने उन्होंने कोई गबन का केस पाता से, जिस संबंध तो असं चलो उन्होंने समझौता कर लिया से, चलो कुछ निकी मोटी जो एडजस्टमेंट करके पेमेंट भी देती से उन्होंने। उस तो बाद लगभग 2 महीने का घर ही सी। इन्हां दे जिहड़े वड्डे अफसर सीनियर अफसर से स्टाफ से नीरज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी और प्रीतम अरोड़ा जी, उन्होंने लगातार 2 महीने तो मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। तो ना बच्चे ने सानू कुछ दसिया, अंदरों अंदरों बस इन्हों धमकियों तो पता नहीं डरता करता। कल दोपहर लगभग 1 बजे आपके निवास स्थान पर आपकी जान तो हथ धो बैठा, गलत रस्ता उन्हें अख्तियार कर लिया। तो असं तो हम प्रशासन तो यही मांग करते हैं कि साढ़े बच्चे इंसाफ दवाया जाए। दोषियों के खिलाफ परचा दर्ज हो चुका है, 306 लग चुकी है। पुलिस ने भी दरखास्त है मुलाजमान को उन्होंने छेती छुते अरैसट करके जो बंदा सज़ा उन्होंने दी जाए। इस तरह बस यही। सिमरनजीत कितों का निवासी है, कितनी उम्र है जी? ये 27 साल की उम्र है निवासी जी, बसंत नगर गली नंबर 2 सीतो रोड अबोहर का निवासी है जी। बड़ा होनहार बच्चा से, बड़ी लगन वाले कंपनी काम करता से, पर इन्होंने जो वे सीनियर स्टाफ ने इन्हों बहुत परेशान तंग परेशान करके बस वो अज इन्हें परेशान किया कि बस आपकी जान तो भी हाथ धोनी पै गए जी। मैं निर्मल सिंह बिजली बोर्ड की जथेबंदी का अबोहर का प्रेजिडेंट हाँ। जेडे अपने सिमरजीत की कल डैथ हुई है वो मेरे भांजे से, पर जी मलोट की माइक्रो अर्थ कंपनी सी उन्होंने मैनेजर से जोड़ा होर स्टाफ से नीरज शर्मा, प्रीतम तो पंकज अरोड़ा वो उन्होंने लगातार परेशान कर रहे थे। जे पिछे जो कोई मसला सी साड़ी फैमिली ने बह के सैट किया, फिर लगातार मतलब उस चीज़ में परेशान कर रहे कि इस करके कल 1 बजे उन्हें जी आपकी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस तो बाद अभी पुलिस तक पहुँच की, पुलिस ने परचा दर्ज करता है 306 का FIR दर्ज की है। पर असी मांग करते हैं पुलिस प्रशासन तो
उन्होंने फौरी अरैसट किया जाए। जेकर अरैसट ना किया गया तो आने वाले समय उच्च अधिकारियों मिल के असी मंग करांगे कि उन्होंने कार्रवाई की जाए। तो असी यही मंग करते हैं कि सानू परिवार को इंसाफ दे।